मायावती की बात हुई, आज की पत्रिका जो है 1 अप्रैल, उसमें इनकी बड़ी मजेदार बातें छपी हैं। आप लोग जाते जाते किनारे से ले जाइएगा, पढ़िए गुरु। बहरहाल कुछ पंक्तियां हाजिर करना चाहता हूँ, उससे पहले 4 पंक्तियां आपसे जुड़ना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। हमने कहा प्याम लीजिए, वाह, एहसास दिला दीजिएगा कि कोई उन्नाव से आया, कोई प्रयागराज से आया, कोई गाजीपुर से आया, कोई बाराबंकी से आया, ये एहसास दिलाइएगा कि काशी भी जिंदाबाद है। अरे अभी 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 भारत का अभी अभी भारत रत्न लता मंगेशकर जी के दत्तक पुत्र अरमान अहमद भी आ गए हैं आपको सुनने के लिए, स्वागत होगा। हमने कहा प्याम लीजिए, एकता का जाम लीजिए, हमने कहा प्याम लीजिए, एकता का जाम लीजिए, बज्म के ऐ सारे प्रियजनों, बज्म के ऐ सारे प्रियजनों, सलीम का सलाम लीजिए, बज्म के। हाँ भाई साहब खींच लीजिए, चलिए यहीं से शुरू हो जाता हूँ, 4 पंक्ति हाजिर कर रहा हूँ। ये जब जब कैमरा उठाएंगे तो दाढ़ी टोपी वाला इनको याद आएगा। हाजिर कर रहा हूँ थोड़ा हंसने हटाने के लिए, महामूर्ख सम्मेलन 2022, ध्यान दीजिएगा कि पास उसी के भी कैमरा होगा, सीन कुछ खास ले रहा होगा, पास उसके भी कैमरा होगा, सीन कुछ खास ले रहा होगा, ये यहाँ खींच रहे हैं फोटो, घर कोई और खींच। सर की बाल के बारे में बात कर रहे थे, श्यामलाल जी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं किसी का अपमान नहीं करता भाई साहब, सम्मान में पंक्ति हाजिर कर रहा हूँ, और भाई साहब आप जरूर ताली बजाइएगा, एहसास दिलाइएगा। सुने, थोड़ा सा हास्य का माहौल दे दे, 2-4, हम बनारस के हैं, 2-4 मुक्तक सुन लेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। के फसल जब उग नहीं सकती, फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता, थोड़ा सा एहसास दिलाइए कि फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता, ये ऐसा खेत है जिसमें पानी भर नहीं सकता, ये ऐसा खेत है जिसमें के पानी भर नहीं सकता, जब इनकी दोस्त तो सर पर नहीं एक बाल भी बाकी, जब इनकी दोस्त तो सर पर नहीं एक बाल भी बाकी, अरे कोई भी सूरमा हो बाल बाका करे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, भाई साहब आपकी ताली चाहिए। मैंने आपके सम्मान में पंक्ति ये हुई बात, एक बार उधर उधर भैया उधर उधर भी जोरदार उनके सम्मान में एक बार हो जाए। हालांकि बाल उगने न उगने में औरतों का बहुत बड़ा योगदान होता है भाई साहब, अगर पत्नी माँ अगर हाथ फेर दे तो बाल उग आते हैं, क्या बात है, और अगर पत्नी फेर दे तो लेकिन भैया को तो ऐसा लग रहा है कि पूरा मोहल्ला फेर दिया। जिंदाबाद, क्या बात है। अच्छा भाई साहब, भाई साहब फर्श मार रहे थे तो ये भैया बड़े मस्ती से हाथ रहे थे, एकदम टनाकर रनवा वहां करके। 4 पंक्ति हाजिर कर रहा हूँ, स्वागत है, मैं किसी का अपमान नहीं करता, सम्मान में हाजिर कर रहा हूँ, स्वागत है। हाँ भैया आपे के लिए, भूमि में अब रवानी नहीं आने वाली, वाह,
फैशन हो गया भाई साहब, भैया 60 साल 65 साल 70 साल के हैं और डेंट पेंट करवा के फर्स्ट क्लास 22 साल के हो जा रहे हैं भैया, रंगवैले हुए। हाँ भाई भाई, एकदम फैशन है भाई साहब। लेकिन मैं हाजिर कर रहा हूँ, सुने स्वागत के फोने में अब रवानी नहीं आने वाली, वो हंसी रात सुहानी नहीं आने वाली, वो हंसी रात सुहानी नहीं आने वाली, बाल रंगवा के कोई लाख भी काला कर ले, लौट कर फिर से जाओ। क्या बात है, वाह 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 वाह। मायावती की बात हो रही थी भाई साहब, चार पंक्ति मैं भी हाजिर करना चाहता हूँ। नहीं मानेंगे ऐसा कुछ नहीं। देखिए वो अकेले अकेली समय हो चुकी है, उनको एक सहयोगी चाहिए, तो अगर बैठे हुए तो क्या हर्ज है। लेकिन सुने अरमान अरमान अहमद साहब नहीं पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए तो हाजिर कर रहा हूं। सुने कि अगर वाकई सही कह गए हो तो जोरदार समर्थन दीजिएगा। स्वागत स्वागत है, स्वागत है। ये तनहा ये जिंदगी, हम तमाम उत्तर प्रदेश के लोग बहन जी कहते हैं बेचारी आज तक कुंवारी रही, ध्यान दीजिएगा। ये तनहा ये जिंदगी को गुजारी नहीं होती, एक नौजवान के वास्ते भारी नहीं होती, तनहा ये जिंदगी को गुजारी नहीं होती, एक नौजवान के वास्ते भारी नहीं होती, अरे रहती अगर बिहार में मायावती जनाब, दावा है अब तलक ये कुंवारी नहीं होती। अच्छा लग रहा है, जितने लोग ताली बजाए वो लोग भी आ रहे गए हैं। यूपी का हुआ, अरे यार ताऊ बजाने के तुम्हें दाग लगा लो। ये तो आप ही बता सकते हैं, इसलिए कौन टी है और कौन पीती है। बहरहाल सुने स्वागत के कश्मीरी लेने का जो ख्वाब देखते हो मिया अरमान भाई, सुने अभी एक देशभक्त को सुने आपने, मैं भी हाजिर कर रहा हूं कुछ पंक्तियां।